हाँ फ्रेंड्स, 2024 में जाति प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेना है। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करने के बाद इसके बाद आपको आ जाना है प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हिंदी में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आधार रिक्वेस्ट लिखा गया है और यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र हिंदी सेवा हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन करें। यहाँ पे आपको जिसका भी ऑनलाइन करें उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे दिया गया कैप्चा कोड डालेंगे, चेक मार्क लगाएंगे, इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे आप, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ओटीपी गया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लास्ट का दिया है, यहाँ आपको ओटीपी डालना है, इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आधार कार्ड पे नाम रहेगा, यहाँ पे नाम अंग्रेजी में और हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पिता पति जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उनका नाम यहाँ पे आपको पिता का नाम हिंदी में लिखना है आपको। इसके बाद अगर लेडीज हैं तो उनके पति का नाम लिखेंगे, अगर कोई बालिका है तो उनके पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे मकान संख्या लिखना है, जो भी मकान संख्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको गांव का नाम, पोस्ट का नाम लिखना है, इसके बाद जिला का और लेडी रहेगा, यहाँ पे आपको तहसील का नाम सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको उपरोक्त वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सब डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो भी कस्टमर का है, इसके बाद यहाँ पे जाति सेलेक्ट करेंगे, पिछड़ा वर्ग जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ जात में क्या है उसे कास्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने कारण क्या है यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है संलग्न सिची, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, इसके बाद स्वघोषणा पत्र, इसके बाद आधार कार्ड। इसके बाद अगर आपको आधार कार्ड वाला ही फोटो चाहिए तो यहाँ पे आपको चेक मार्क लगा देना है, यहाँ पे आधार की फोटो अपलोड करने है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देंगे तो जो आधार कार्ड में फोटो रहेगा वही लग जाएगा। तो हमें एक एक अटैच करना है, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, फोटो अटैच करना है, इसके बाद घोषणा पत्र, इसके बाद आपको आधार कार्ड, इसके बाद यहाँ पे जब चूज फाइल करके अपलोड कर देना है आपको। तो आप इस तरह से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं 2024 में। यहाँ देखिए ऑनलाइन हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।